दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य पर जो बारिश का कहर है वो कई जिलों पर देखने को मिल रहा है और कई जिलों पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर चल रही है, इस बारिश के चलते कई जिलों पर हालात बद से बदतर हुए हैं, यानी कि काफ़ी जल भराव होने के कारण बहुत ही बुरे हालात हैं। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य पर ये बारिश की गतिविधियां अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये लगातार बारिश अभी जारी रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि आज देखिए 11 जुलाई है, आज के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर रात के 12 बजे तक मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि कई जिलों पर भारी तबाही वाली बारिश अभी भी होने के आसार लगातार बने हुए हैं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों आपको बता दें कि कल से 12 जुलाई से जो मानसूनी ट्रफ है वो ऊपर की तरफ तराई वाले भागों पर पहुंचने के आसार हैं, और जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां तराई वाले भागों पर उत्तर प्रदेश के काफ़ी हद तक जो है वे बढ़ने के आसार हैं। आइए आपको मैप के मदद से समझाते हैं। देखें दोस्तों, ये जो है यहाँ से इस तरह से उत्तर प्रदेश है। अब हो क्या रहा है कि देखिए, एक तो लो प्रेशर एरिया जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है, जो कि सर्कुलेशन यानी कि जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आया था उसके वजह से सर्कुलेशन पश्चिमी पंजाब के भागों पर बना, फिर ये यहाँ से इस तरह से हरियाणा से होता हुआ अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंच गया और ये और अधिक ताकतवर भी हो गया, यानी कि पहले सर्कुलेशन था, अब ये लो प्रेशर एरिया बन गया। और इसकी वजह से दोस्तों जो मानसूनी ट्रफ थी वो भी राजस्थान से और उत्तर प्रदेश के तरले भागों से जो है वो पहुंच रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे पिछले 2-3 दिनों के दौरान, अब फिलहाल की अगर बात करें उसकी, तो उत्तर प्रदेश के भागों से ही होकर, यानी कि तराई वाले जो भाग है उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तराखंड नेपाल से सटे हुए हैं, वहां पर जो है ये पहुंच गई है खिसक कर। अब इसकी वजह से जो मॉइस्चर है, जो इस तरह से आप इसमें देख भी पा रहे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो हवाएं हैं ये इस ट्रफ की जो है ऊपर की साइड से जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से जो बारिश अब सबसे अधिक बढ़ेगी वो उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बढ़ेगी, यानी कि जो भाग उत्तराखंड और नेपाल से सटे हुए हैं, खासतौर से जो नेपाल से सटे हुए भाग है उत्तर प्रदेश के, सबसे अधिक बारिश यहाँ पर ही होने के आसार हैं। और ये बारिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ शिफ्ट हो रही है, और 15 जुलाई से यानी कि ये बारिश फिर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, यानी कि भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होती हुई नजर आ रही है, यानी कि बारिश लगातार ये 12 जुलाई से में भी, 13 में भी, 14, 15, 16 और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर ये चलती रहेगी। कई इलाकों पर अच्छी खासी जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 12 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर इस बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और दोस्तों जानेंगे कि 12 जुलाई से लगाकर और 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश पर किस तरह से इस बारिश का कहर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप उत्तर प्रदेश की 12 जुलाई की IMD की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए आपको अच्छे से दिखेगा, ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहां से इस तरह से ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश राज्य है, और उत्तर प्रदेश राज्य के देखिए किस तरह से तराई वाले भागों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल से सटे हुए जो भाग है वहां पर सबसे अधिक भारी बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। इसमें दोस्तों देखिए, बरेली के आसपास के भाग, बदायूं, साजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइन, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो जिले हैं, इन जिलों पर काफ़ी अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। और इनके जो आसपास के अब जो जिले हैं, अब इसमें कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी और सीतापुर, साजापुर से के आसपास के भागों पर, फरुखाबाद, यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी तेज बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से ये जो इतने भाग हैं उत्तर प्रदेश के, इन पर ही सबसे अधिक बारिश होने के आसार है। कई भागों पर बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी रहने की संभावनाएं हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि लो प्रेशर यहाँ के भागों पर है, वो थोड़ा कल अंदर की तरफ पहुंचेगा और जो ट्रफ है वो इसी तरह से यहाँ पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से है वो यहाँ पर ही पहुंच रहा है। और
सहारनपुर से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत तक भी और आसपास के भागों पर भी, यहाँ पर भी हल्की या हल्की से मध्यम या कई भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। जबकि दोस्तों मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज से लगाकर और इसमें आसपास के भागों पर यहाँ पर भी देखे लाइट रेन यानी कि हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पर जो है 12 जुलाई में भी हमें नजर आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों ललितपुर के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं और झांसी, जालौन, एटा, इटावा, कानपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, मोहब्बा के आसपास के भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं, हल्की बारिश होने की यहां पर भी संभावनाएं बनी हुई है। जबकि दोस्तों जो हमीरपुर, मोहब्बा से आगे आगे के जो जिले हैं, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट और संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर के आसपास के जो भाग है यहां पर देखिए बारिश में काफी कमी देखने को मिलेगी और हल्की यानी कि कहीं पर हल्की बारिश हो गई, कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो गई या कहीं पर धूप भी देखने को मिली, इस तरह की स्थिति इन जिलों की देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि आपने देखा कि जो तराई वाले नेपाल से सटे हुए भाग हैं मध्यम तक, उन पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार 12 जुलाई में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं और झांसी, ललितपुर, जालौन और एटा इटावा के भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावना है और सबसे कम बारिश जो है वो हमीरपुर से और चंदौली के आसपास के भागों पर यानी कि इससे जो नीचे नीचे के जिले हैं यहाँ पर सबसे कम बारिश होने की संभावनाएं जो है वे हमें 12 जुलाई में भी नजर आ रही है और कई भागों पर हवाएं भी अच्छी खासी तेज रहने के आसार हैं। तो इस तरह से 12 जुलाई में अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। 13 जुलाई की अगर रिपोर्ट देते हैं, 13 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादल रहेंगे, अधिकांश भागों पर तो हम नहीं कह सकते लेकिन हाँ ज़्यादातर भागों पर इसमें जो तराई वाले भाग हैं, पूर्वी भाग हैं, दक्षिणी भाग हैं और कई भागों पर यहाँ पर लाइट रेन या मध्यम दर्जे की बारिश जो है होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर बनी हुई है और जैसे कि मैंने बताया कि पूर्वी भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पर 14 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी मध्य भागों तक और पश्चिमी भागों पर भी बारिश लाइट रेन होने की संभावना लगातार बनी हुई है। 15 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी खासी भारी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है यानी कि ये मानसून का रौद्र रूप जो है ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 जुलाई से ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश राज्य पर फिर से काफी जबरदस्त बढ़ने वाली है तो मानसून का रौद्र रूप यहां पर देखने को मिलेगा। काफी खतरनाक बारिश फिर से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने के आसार है, चाहे पूर्वी भागों, मध्य भागों, चाहे पश्चिमी भागों। तो और यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार 16 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश लगातार रहेगी, 17 जुलाई में भी लगातार बारिश रहेगी, 18 जुलाई में भी लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश रहेगी, 19 जुलाई में भी लगातार बारिश होने के आसार है और 20 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, जैसा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो ये बारिश की गतिविधियां लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर रहने वाली है और खास तौर से कल के लिए जो तराई वाले जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं उन लोगों को मेरा ये कहना है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें क्योंकि काफ़ी अच्छी जबरदस्त बारिश वहाँ पर होने के आसार हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।